माय टॉपिक नेम फास्टर बूस्टिंग मर्जेस विद स्किप पॉइंटर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पोस्टिंग लिस्ट जो है वो ये क्या चीज़ है। पोस्टिंग लिस्ट जो है ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर है, डॉक्यूमेंट की आईडीज़ को कंटेन करता है, टर्म्स की। इसके अलावा ये पोजीशंस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेता है कि किसी भी वर्ड की पोजीशंस को डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कहाँ पर अपीयर है उसको भी ये अपने पास सेव करता है। उसके बाद है स्किप पॉइंटर्स। स्किप पॉइंटर्स जो हैं ये इफ़ेक्टिवली शॉर्टकट्स हैं जो अलाउ करते हैं अवॉइड प्रोसेसिंग पार्ट्स ऑफ पोस्टिंग लिस्ट दैट विल नॉट फिगर इन सर्च रिजल्ट्स। फास्टर पोस्टिंग मर्जेस विद स्किप पॉइंटर्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले एक एल्गोरिदम की तरफ लेके जाऊंगा। एल्गोरिदम जो है मर्ज एल्गोरिदम हमने यूज़ किया हुआ है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि उसके अंदर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें दो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ब्रूटस है और एक सीज़र है। तो ब्रूटस और सीज़र को डॉक्यूमेंट्स को हमने आउटपुट में चेक किया कि इन हमारे पास क्यूरी है कि यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर ये दोनों का मैच होता है वो वाले रिज़ल्ट को आउटपुट में लेके आना है। तो इसकी जब हमने ऑर्डर ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक की है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन है, जिसमें ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इससे बेटर चॉइस के लिए हमने यूज़ एल्गोरिदम करते हैं जिसका नाम है स्किप पॉइंटर। यहाँ पर लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर फर्स्ट जो ब्रूटस है ब्रूटस डॉक्यूमेंट्स और सेकंड में दूसरी जो सीज़र है उसकी पोस्टिंग लिस्ट है। तो जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो टू वाला एलिमेंट है वो पॉइंट हो रहा है फोर पे और एट पे, 41, 48, 64 और 128। यहाँ पर आप देखें कि टू जो है वो फोर पर भी जा रहा है और 41 से 41 पर भी जा रहा है। तो ये 41 जो है ये स्किप पॉइंटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है जो कि 4 और 8 को स्किप करवा के डायरेक्टली 2 से ही 41 पे लेके जा रहा है। सेम नीचे सीज़र है, वहाँ से 1 से पॉइंट जो है वो 11 पे भी हो रहा है और 1 से 2 पे भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि हमने स्किप पॉइंटर कहाँ पर यूज़ करने हैं, क्यों यूज़ करने हैं, इनका क्या बेनिफिट है। तो उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखें कि जो पोस्टिंग मर्जेस है उसके अंदर हम लोग ये यूज़ करते हैं, वाइल लूप के अंदर हम लिखते हैं कि ब्रूटस जो है वो लेस देन अगर सीज़र से तो ब्रूटस जो है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर सीज़र लेस देन है ब्रूटस से तो सीज़र इंक्रीज़ होगा, और अगर दोनों मैच करते हैं तो दोनों का ही एक एक का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर ये है कि जब स्किप पॉइंटर हम यूज़ करते हैं तो देखें वन जो है वो टू से, सीज़र में वन एलिमेंट और ब्रूटस में टू एलिमेंट, वन स्मॉल है चूँकि तो उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करवाएंगे टू पे, और टू चूँकि दोनों सेम मैच करेंगे टू पे तो टू को आउटपुट में शो करेंगे, उसके बाद एक एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। टू वाला नीचे वाला जो ब्रूटस का है वो थ्री पे पॉइंट हो जाएगा और ऊपर वाला जो है वो फोर पे भी पॉइंट हो रहा है और नेक्स्ट एट पे जाएगा। तो एट वाला दोनों मैच हो जाते हैं, इसको भी आउटपुट में शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जब एट के बाद जो ब्रूटस वाला है वो 41 को पॉइंट आउट कर रहा है और नीचे जो सीज़र है वो एट के बाद 11 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने देखना है कि 11 चूँकि 41 से स्मॉल है लेकिन हमने इससे आगे मूव नहीं करना, उसके ऊपर एक स्किप पॉइंटर यूज़ हमने किया है। तो हमने पहले स्किप पॉइंटर को भी यूज़ करना है, नॉर्मल पॉइंटर से मैच करना है। 41 जो है वो 31 चूँकि स्किप पॉइंटर भी उससे भी स्मॉल है तो लिहाजा हम फिर अंदर से जो 17 और 21 है इसको वैसे स्किप करके 11 से डायरेक्ट 31 पे चले जाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारे जो कंपैरिजन है वो कम हो जाएंगे, हमारा जो ऑर्डर ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी है जिसमें ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन था वो रिमूव हो जाएगा और इसमें हमें ये बेनिफिट हो जाएगा। इसका ट्रेड ऑफ यही है कि अगर हम ज़्यादा स्किप पॉइंटर यूज़ करें तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ती है, ठीक है, और अगर हम फ्यूअर स्किप पॉइंटर यूज़ करें तो हमारे लिए ये भी बेहतर नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन जो है वो रह जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई एक ऐसा स्टेप यूज़ करना पड़ता है, एक ऐसा तरीका यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम ना बहुत ज़्यादा स्किप पॉइंटर यूज़ करें और ना ही बहुत कम स्किप पॉइंटर यूज़ करें। तो उसके लिए कुछ जनरल
स्पेसिफिक रोल नहीं है, एक जनरल रोल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 49 पोजीशन है, पोस्टिंग लिस्ट में 49 पोस्टिंग पॉइंट्स है, उसके एलिमेंट्स हैं, तो उसके मेथड ये होगा कि हम उसके स्क्वायर रूट लेंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट लें तो वो 7 आता है, तो हम 7 उसके स्किप पॉइंटर यूज़ करेंगे, 7 टर्म के बाद स्किप पॉइंटर, उसके बाद फिर 7 टर्म के बाद स्किप पॉइंटर, इस तरह से हम स्किप पॉइंटर यूज़ करेंगे। ये एक, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल रूल है